हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पूर्वजा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेल डिवीजन व्हिच इज मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो चलिए पहले कुछ बेसिक चीजें बात करते हैं। मियोसिस जो है वो टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? मियोसिस जो टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जेबी फार्मर एंड मोर करके एक साइंटिस्ट थे, जेबी फार्मर एंड मोर। ठीक है, उन्होंने 1905 में मियोसिस टर्म दिया। आपको पता है, ये डिस्कशन में पहले की वीडियो लेक्चर में भी कर चुकी हूँ कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और हिंदी में आप इसे कह रहे हो अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब क्या होता है? हाफ। सूत्री यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, और रिडक्शनल का मतलब रिड्यूस होना, कम हो जाना। तो मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, क्रोमोसोम नंबर, वो रिड्यूस हो जाता है, और कितना रिड्यूस होता है, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस्ड और इट विल बिकम हाफ। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें कितना होगा, 46 का हाफ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा माइटोसिस में नहीं था, माइटोसिस को समसूत्री कोशिका विभाजन बोलते थे। सम का मतलब सेम, तो जितने क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल में है उतना ही क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में भी रहेगा। अगर मदर में 46 क्रोमोसोम है तो उसकी डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, नंबर सेम सेम है ना, एग्जैक्ट कॉपी है वो उसकी। इसीलिए माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, या फिर इक्वेशनल डिवीजन भी उसको बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है। ठीक है, पर यहाँ पे हाफ हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मियोसिस है वो बॉडी में केवल और केवल किधर होता है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है या हमारी जो जर्म सेल्स है, केवल वहां पे मियोसिस होता है। तो देखो, इट अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स। मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल होती है, एक डिप्लॉयड सेल होती है। डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, शो कर देंगे। और मियोसिस जो है लगातार वो दो बार डिविजन होगा, तो एक होता है मियोसिस वन। मियोसिस वन के बाद हमारे पास में दो डॉटर सेल्स आ जाएंगे, और कंटिन्यू क्या होगा, बिना रुके कंटिन्यूअसली ये दोनों जो डॉटर सेल बने हैं ये फिर से एंटर कर जाएंगे डिवीजन में, और उसे हम कहेंगे मियोसिस सेकेंड डिवीजन। और इसके बाद हर एक सेल फिर से दो सेल बनाएगी, तो अल्टीमेटली एक मदर सेल से कितना डॉटर सेल बना, 4, 1, 2, 3 एंड 4। मदर सेल था डिप्लॉयड, यानी उसमें थे 46 क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन। तुम लोग अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछे तो 46 क्रोमोसोम मत करना, क्योंकि हर स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। ये 46 जो क्रोमोसोम का नंबर है ये सिर्फ ह्यूमन के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इनमें ये हैप्लॉइड सेल है, तो ये चारों में क्रोमोसोम का नंबर होगा 23। ओके, सो ये पॉइंट देखो, वन डिप्लॉइड मदर सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ओके, मियोसिस की वजह से हमेशा क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे हमेशा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है, तो मियोसिस की वजह से हमेशा गैमेट बनेगा। मियोसिस जो होता है ना वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ग्रोथ के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, मियोसिस। क्योंकि अगर गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वेरिएशंस कैसे आएंगी। ठीक है, तो ये है मियोसिस का इम्पोर्टेंस, कि वो गैमेट बनाता है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं,
अब ना अगर आपसे ऐसा पूछे कि क्या मियोसिस केवल ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या गैमेट फॉर्मेशन के लिए है, तो आप कहोगे नहीं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन सब में मियोसिस हमेशा गैमेट ही बनाएगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंजाई हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस हमेशा गैमेट ही बनाएगा। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ बेसिक एल्गा होते हैं, कुछ कुछ फंजाई होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली प्लांट्स, उनमें मियोसिस की वजह से स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मियोसिस की वजह से स्पोर्स, और इन स्पोर्स का भी काम न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करना ही होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस की स्टेजेस की। देखो, मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस है उसमें कंटिन्यूअसली दो बार डिवीजन होगा, ठीक है, एक बार एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगी, फिर अगली बार क्या होगा, उन दो डॉटर सेल से फर्दर चार डॉटर सेल्स बनने वाली है, ठीक है। तो ये टू कंटिन्यूअस राउंड ऑफ डिवीजन होता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक सिंगल राउंड ऑफ डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में टू राउंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं। एक होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और एक होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसको अपन मियोसिस वन भी बोलते हैं और सेकंड मियोटिक डिवीजन को अपन मियोसिस सेकेंड या मियोसिस टू भी करके बोलते हैं, ठीक है। अब डिवीजन है तो कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा, और पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। तो अब आपको पता लग चुका है कि कैरियोकाइनेसिस में चार फेज होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबरिंग दिख जाए ना, जैसे अगर सिंपल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज लिखा हुआ है तो ठीक है, मे बी वो माइटोसिस की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे कुछ मेंशन नहीं है तो नहीं तो मेंशन करके देगा कि माइटोसिस में या मियोसिस में, ठीक है। और अगर कुछ मेंशन उसने फेज मेंशन नहीं किया डिवीजन कौन सा है, पर उसने सीधे सीधे लिख दिया कि इन मेटाफेज वन, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या इन टेलोफेज वन, तो आपको ये वन देख के ही समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है। वो मियोसिस वन की बात कर रहा है या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आए एनाफेज सेकंड में क्या होता है या फिर प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, तो सेकंड पीछे लगा हुआ है ना, आप समझ जाओ कि भाई पहले तो ये मियोसिस के बारे में बात कर रहा है और उसमें भी ये मियोसिस सेकंड वाला जो डिवीजन होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सबके आगे वन लगा देंगे क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन है। तो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, और फिर साइटोकाइनेसिस तो नॉर्मली होगा जैसे होता है, ठीक है। और जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस सेकंड का, उसमें हम टू लगा देंगे, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, एंड देन साइटोकाइनेसिस अगेन नॉर्मली होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मियोसिस वन में प्रोफेज वन। देखो, जो मियोसिस वन है उसको हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस वन को हेट्रोटाइपिक डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में वो मियोसिस वन ही है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर प्रॉपरली रिड्यूस हो रहा है या हाफ हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था एन से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये बात की थी कि एन अगर आता है ना तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सी इज द अमाउंट या कंटेंट ऑफ डीएनए। सी इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में जो 2n है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, n में। 2n यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल, ठीक है, और n यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ। तो 2n से n कहां हो रहा है, मियोसिस में। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में 2n का 2n ही रहता है, वहां पे कोई चेंज नहीं आता। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो बेसिकली इस रीजन की वजह से हम मियोसिस वन को हेट्रोटाइपिक डिवीजन कह रहे हैं,
बिकॉज क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड. ये मियोसिस वन में ही हो रहा है. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर, वो किस में हो रहा है, मियोसिस वन के बाद हो रहा है या मियोसिस टू के बाद? तो आपका आंसर होगा मियोसिस वन के बाद. मियोसिस वन की पहली फेज प्रोफेज वन है, और आपने ये माइटोसिस में भी पढ़ा था कि प्रोफेज जो है वो सबसे लंबी फेज होती है. लेकिन जो मियोसिस की प्रोफेज है ना, वो माइटोसिस की प्रोफेज से भी लंबी होती है अगर आप कंपैरिजन करो तो. ठीक है, इसकी प्रोफेज वन मोर देन 90% ऑफ टाइम, जो सेल डिवीजन का 90% से ज्यादा समय है पूरे डिवीजन का, वो अकेली कौन ले लेती है, प्रोफेज वन. और बाकी के बचे हुए टाइम में जितने सारे जितने भी डिविजन है, मियोसिस वन के सारे और मियोसिस टू के सारे, वो सब बचे हुए टाइम में डिविजन होते हैं. More than 90, it is the longest phase. It take more than 90% of time required for meiosis. Got it? उसके बाद देखो जो प्रोफेज वन है, ये फर्दर पांच फेजेस में बटी हुई है, डिवाइडेड है. सो प्रोफेज वन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फाइव फेजेस, और ये जो पांच मेरे नाम लिखे हुए है, ये इसी सीक्वेंस में है. यहाँ सीक्वेंस मत तोड़ना, क्योंकि लैप्टोटीन के बाद ही जाइगोटीन आएगा. ठीक है, तो देखो पहला फेज जो है प्रोफेज का, वो है लैप्टोटीन. जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो अगली फेज आएगी वो होगी जाइगोटीन. जाइगोटीन के बाद अगली फेज आएगी पैकाइटीन. पैकाइटीन के बाद अगली फेज आएगी डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद अगली फेज आएगी डायाकाइनेसिस. और इन पांच फेजेस के बाद हमारा जाके कंप्लीट होगा प्रोफेज वन. तो चलिए इन फेजेस के बारे में बात करते हैं. देखिए लैप्टोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम और साइज जो है न्यूक्लियस का वो बढ़ जाएगा. ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, एज वेल एज उसका साइज भी इंक्रीज हो गया है. और क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे, अभी क्या होता है जब सेल डिविजन नहीं करती, उस टाइम पे तो क्रोमोसोम जो है वो एक उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमें दिखाई देते हैं. लेकिन जब सेल डिवीजन में एंटर कर जाती है, तो ये क्रोमोसोम एक प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देते हैं. और आपने पढ़ा है माइटोसिस में कि क्रोमोसोम या जो डीएनए है या हेरिडिटी मटेरियल है, उसमें कंडेंसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो सघन होने लगते हैं. यहाँ पे भी जो है डीएनए वो कंडेंस होगा, और लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगेंगे. तो क्रोमोसोम यहाँ कैसे हो जाते हैं, ये थिन, देखिए ये लंबे स्ट्रक्चर्स हैं और पतले स्ट्रक्चर्स हैं, थिन और लॉन्ग हो जाते हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमें लैप्टोटीन में दिखेंगे, जिन्हें हम क्रोमोसोम या क्रोमोमर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, लैप्टोटीन के बाद अगली फेज है जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होगा, देखो क्योंकि आपको पता है कि जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड का मतलब कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, और क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, डबल है, डिप्लॉइड यानी डबल. तो क्रोमोसोम जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे ना, ठीक है, डिप्लॉइड सेल में एक जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं. ओके, तो जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे वो पास पास आने लग जाएंगे, तो वो साथ में आएंगे और पेयर बनाएंगे. ठीक है, उनके पास आने की प्रोसेस कहलाती है सिनेप्सिस. और जब वो पास आते हैं तो एक सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी वो बनाते हैं. तो बेसिकली हम इसको यहां से इस तरह से शो कर रही हूं मैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, यानी इन क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जैसे जीन प्रेजेंट थे. ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास पास आते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है सिनेप्सिस. और साथ में आके वो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसे कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब एक पेयर में दो क्रोमोसोम है तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, बायवेलेंट. एक पेयर में दो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बायवेलेंट. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बायवेलेंट कहां बनता है, या सिनेप्सिस कहां होता है, या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है, तो आपका आंसर होगा जाइगोटीन. ओके, तो देखो डायग्राम में मैंने शो किया है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा,
ये लोग साथ में आ गए और आकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बायवेलेंट का। देखिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फेज है पैकाइटिन, और पैकाइटिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोफेज वन, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो रही है मियोसिस की, और वो है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो पैकाइटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ये और ज्यादा कंडेंस हो जाता है। देखो लैप्टोटीन में क्रोमोसोम जो थे वो लंबे थे, पतले थे, ठीक है, थिन थे एंड लॉन्ग थे, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम में कंडेंसिएशन बढ़ गया जिसकी वजह से ये थिक हो जाते हैं और शॉर्ट अपीयर करते हैं, तो क्रोमोसोम अपीयर्स थिक एंड शॉर्ट। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत स्पेशल इवेंट हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो अगर सिर्फ माइटोसिस मियोसिस ऑप्शन है तब तो आप मियोसिस वन लिखोगे, और अगर ये फेजेस में दिया हुआ है ऑप्शन तो आप पैकाइटिन को टिक करोगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या होता है, आपको पता है कि अभी जायगोटीन में जो दो होमोलोगस या एक जैसे क्रोमोसोम थे वो साथ में आए थे, अब इन क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और इनका कुछ पार्ट जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट के दूसरे पे चला जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट के एक क्रोमोसोम इधर वाले पे आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये अपना अपने कुछ जीन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है और इसी वजह से हमारे अंदर क्या आती है, वेरिएशंस, जो डिफरेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे वो किस वजह से अराइज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। पैकाइटिन के बाद स्टेज आती है डिप्लोटी। अब इतना जो सारा ड्रामा हुआ था कि क्रोमोसोम अपीयर हुए, फिर वो साथ में आए, सिनेप्सिस हुआ, और उस वो सब क्यों हो रहा था, क्योंकि इन क्रोमोसोम को क्या करना था, अपने जीन्स को एक्सचेंज करना था, क्रॉसिंग ओवर करना था। पर जब इनका काम हो गया तो अगली स्टेज में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जो साथ में आए थे अभी इनका काम खत्म, तो ये वापस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे और इनका सेपरेशन कहलाता है टर्मिनलाइजेशन, ओके। और यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में हमें कियाज्मा, एक स्ट्रक्चर होता है कियाज्मा जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, कियाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है। कियाज्मा एक्चुअल में वो वाला साइट, इसको कियाज्मेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कियाज्मा या कियाज्मेटा वो जगह है जहां पे जीन्स का एक्सचेंज हुआ है, क्रोमोसोम पे वो जगह आपको दिखाई देगी जहां जीन का एक्सचेंज हुआ है, वो कियाज्मा कहलाती है, ठीक है। डिप्लोटीन के बाद आखिरी स्टेज आएगी डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो टर्मिनलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हुआ था ये जाके कंप्लीट कहाँ होता है, डायकाइनेसिस में। सो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो टर्मिनलाइजेशन या सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लोटीन में शुरू हुआ था वो इधर पूरा हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनलीज, ये सब भी डिसअपीयर हो जाएंगे जो आपने प्रोफेज में पढ़ा था, माइटोसिस की प्रोफेज में, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल चीजें होंगी जो आपने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ी थी। अब मेन डिफरेंस या मेन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, माइटोसिस में या मियोसिस में, तो आप बताओगे मियोसिस में। अगर पूछता है कि मियोसिस की भी कौन सी स्टेज में, तो आप बताओगे मियोसिस वन में, प्रोफेज वन में, पैकाइटिन में, ठीक है। वैसे इतना डीप नहीं जाएगा, माइटोसिस और मियोसिस में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, या फिर मियोसिस वन या मियोसिस टू भी दे सकता है। तो याद रखना मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ओके, और क्रॉसिंग ओवर में जीन एक्सचेंज होता है, जहां भी जीन एक्सचेंज होता है उसको कियाज्मा बोलते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मियोसिस के। स्टूडेंट्स याद रखना कि माइटोसिस में किसी भी तरह का कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब प्रोफेज वन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज वन। अगर आप लोगों ने माइटोसिस नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके माइटोसिस पढ़ो,
क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर मियोसिस आना तो इम्पॉसिबल है। और साथ में हम लोग कंपेयर करते जा रहे हैं ना, जैसे हमने माइटोसिस की प्रोफेज और मियोसिस की प्रोफेज वन को कंपेयर किया था, इसी तरह हम मेटाफेज को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस पढ़ना या आपको आना बहुत जरूरी है मियोसिस के पहले। यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले तुम याद करो कि माइटोसिस की प्रोफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम थे वो एक सिंगल लाइन में अरेंज हो गए थे इक्वेटर प्लेट पे या फिर मेटाफेज प्लेट पे आकर के। जो सेंट्रियोल थे वहां से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम पे अटैच हो गए थे। लेकिन अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे मेटाफेज वन में क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बायवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम होमो यानी सेम, लोगस यानी लोकेशन, इसका मतलब सेम क्रोमोसोम जो है जिनपे सेम जीन्स प्रेजेंट है उन्हें हम बायवेलेंट बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सिनेप्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यानी जिनमें सिनेप्सिस हुआ था वो वाले क्रोमोसोम। तो सिनेप्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम या बायवेलेंट जो है वो इक्वेटर प्लेट, एकदम सेल के बीचों बीच में जो प्लेट है, जो जगह है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट, वहां पे आके ये बायवेलेंट अरेंज होगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि जो माइटोसिस की मेटाफेज थी, माइटोसिस की मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं। ये मैंने यहाँ पे किसका डायग्राम बनाया है, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। अब आप इजीली कंपेयर करो इन दोनों डायग्राम्स को, ये तो माइटोसिस का मेटाफेज है और ये मियोसिस वन का मेटाफेज वन है। अब कंपेयर करो, क्या पता लग रहा है कि यहाँ तो क्रोमोसोम एक सिंगल लाइन में अरेंज हुए थे और एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से देखो इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, मगर यहाँ कहानी कुछ और हो गई है, यहाँ क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे करके अगर ह्यूमन की सेल है तो कितने पेयर लगे होंगे, 23 पेयर लगे होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम जो है पेयर में हो गए, इसका मतलब एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच है, यहाँ एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल अटैच हुए थे, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, यहाँ देखो एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल अटैच है, जो जो स्पिंडल जिस साइड पे है या जो क्रोमोसोम, देखो ये इधर लोअर है तो लोअर वाला स्पिंडल अटैच है, इधर अपर सरफेस है तो ये ऊपर की तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहा है इस पोल से वो इसके ऊपर अटैच है। ठीक है, ये बात समझ में आई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह के अरेंजमेंट का, क्योंकि अब जब एनाफेज आएगी तो आपको पता चलेगा। तो पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है कि बायवेलेंट अरेंज करते हैं खुद को इक्वेटर पे या मेटाफेज प्लेट पे, उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है और ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं टू द क्रोमोसोम्स ऑफ देयर साइड, अपनी अपनी साइड या अपनी अपनी पोल वाले क्रोमोसोम के साथ एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स मेकिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं, आगे बची है कुछ फेजेस, मेटाफेज वन के बाद आएगी एनाफेज वन और देन टीलोफेज वन, फिर हम एंटर करेंगे मियोसिस सेकेंड में और आपका सेल डिविजन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।